संस्कारधानी जबलपुर की सड़क पर घूमने वाली गायों को नगर निगम द्वारा पकड़कर शासन द्वारा बनाई गई गौशाला में रखा जाता है ताकि इनसे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। लेकिन इन गौशालाओं की स्थिति बद से बदतर है, जिससे गौशाला में रहने वाली गायों की हालत लगातार गिरती जा रही है। दरअसल मामला रामपुर छापर स्थित बने छात्रावास के पास बनी गौशाला का है। यहाँ गायों की हालत देखने से ही ये समझ आता है कि जो गायें बाहर से एकदम हष्ट पुष्ट नजर आती हैं, यहाँ लाने के बाद उनकी हालत में गिरावट आ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी खान पान की व्यवस्था, क्योंकि शासन द्वारा इनके खाने के लिए भूसे के साथ शुदाने की व्यवस्था की गई है ताकि गायों को अच्छा पोषित आहार मिल सके। लेकिन नगर निगम के कुछ अधिकारियों के द्वारा इन गायों तक शुदना पहुंच नहीं पाता और ये गाय सूखा भूसा खाने को मजबूर हैं। इस ओर न किसी नेता का ध्यान है और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी का, और बीच में बैठे बिचौलिए गायों को मिलने वाले भोजन से अपना पेट भर रहे हैं। अगर इन गौशालाओं को गौशाला ना कहकर गायों की जेल कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ये गौ माता को ऐसा है कि हम साधु संन्यासी नागा हैं, हम धर्म की रक्षा करते हैं, और जो गौरी घाट बना हुआ है, गौरी घाट गऊ का घाट है, वहाँ से लोग जो नियम निगम की गाड़ी पकड़ के लाते हैं गऊ माता को, इनको कहीं भी अच्छे आश्रम में छोड़ के आए, ऐसा नहीं कि उनको सूखा भूसा नहीं खिलाएं, उनको अच्छा सेवा होना चाहिए, उनके लिए एक आश्रम बनाया जाए, ये बोलना चाहते हैं। हालांकि गौशाला की बदहाली को लेकर निगम अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रजमोहन नगर जो कांजी हाउस है नगर निगम का, वो इस हिसाब से तैयार किया गया था कि हमारी जो मुख्य जो गौ सेवा केंद्र तलवारा, वहाँ पर जब मवेशियों की संख्या अधिक हो जाती है तो एक बैकअप के रूप में हमारे पास हो कि हम जानवरों को वहाँ शिफ्ट कर सकें। और हमारे जितने भी जो कांजी हाउस या गौ सेवा केंद्र है वहाँ पर नगर निगम की ओर से भूसा खिलाए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जो गौ सेवा केंद्र का पंजीयन हुआ है उसके आधार पर हमें पशु संवर्धन जो विभाग है वहाँ से दाना प्रोवाइड किया जाता है, सुदाना, तो भूसे के साथ साथ हम सुदाना भी जो मवेशी हैं उनको प्रदाय करते हैं वहाँ पर। सूखा भूसा में मिलाया जाता है वो कि सानी बना के खिलाया जाता है, सानी बनाई जाती है जी में जी हाँ, दोनों तरीके से खिलाया जाता है। जैसे अगर कभी हमारे पास दाना अवेलेबल नहीं हो तो फिर उस केस में हम सूखा भूसा ही खिलाते हैं। मगर वहाँ पर जी देखा गया है जी, जो भूसा वहाँ पड़ा है जी, जी तो भूसे में कंडे के उपले भी पड़े हुए हैं, पूरे मिक्स हैं कंडे के उपले, और केवल सूखा भूसा पड़ा हुआ है वहाँ पर, कोई गाना समझ में नहीं आया। हो सकता है कि आपने उस एरिया को देखा होगा जहाँ पर मवेशी नहीं रहते, या फिर साफ़ सफाई के पहले देखा होगा, वहाँ पर जो प्रबंधन है बहुत ही प्रॉपर है, डेली बेसिस पे वहाँ पर सफाई भी होती है और जो भूसा डाला जाता है उसका बहुत प्रॉपर रख रखाव किया जाता है वहाँ कर्मचारी द्वारा। कम से कम 50 गाय भूसा खा रही है जी, तो वहाँ तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि वहाँ का गौ माता ना हो जी, भूसा खा रही है, सूखा भूसा खा रही है और उपले कंडे मिले हुए नहीं। सूखा भूसा तो अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास दाना अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हमें सूखा भूसा खिलाना ही पड़ता है, जो क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है प्रॉपर भूसा ही परचेज करते हैं नगर निगम की ओर से और वही खिलाते हैं। राजेंद्र भाई बता रहे हैं पटेल जी की वहाँ पे अभी आप जाके देखते दाना रखा हुआ है और आप बोल रहे कि दाना नहीं है, तब मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए दाना अवेलेबल है तो उस केस में हम दाने और भूसा साथ में खिलाएंगे, और अगर दाना अवेलेबल नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ भूसा खिलाएंगे। जो अभी देखा गया जी, जो अभी देखा मैंने प्रत्यक्ष में अभी देख के आया जी, आज हमें 2 घंटे 1.5 घंटे जी तो वहाँ केवल भूसा बस दिया जा रहा है, वो दाना तो वहाँ दिख ही नहीं रहा। तो हो आपने मतलब शायद निरीक्षण गलत समय पर कर लिया, और मतलब वहाँ पर दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम पर्टिकुलरली जानबूझ करके आपको दाना नहीं देंगे या फिर भूसा नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्रॉपरली वहाँ पर सेवा की जा रही है जो गौ माता है उनकी। फिलहाल मामला सामने आने के बाद गौशाला में रहने वाली गायों तक पोषित आहार उपलब्ध कराया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर।